बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल। आपको बताने जा रही हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हम लोग लेंगे 1 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर सूखा धनिया, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून वाइट पेपर एंड 1 टेबलस्पून क्यूमिन सीड पाउडर, जो कि मैंने यहाँ पर कुटा भुना हुआ ज़ीरा लिया है जिसको मैंने जो है भून लिया था। एंड आप ले लें यहाँ पर 2 काली इलायची, उसको अच्छे से पीस लें। एंड सॉल्ट हसबे ज़रूरत, जितनी आपकी क्वांटिटी है उसके मुताबिक जो है आप नमक यूज़ करें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, यहाँ पर मैंने दही लिया है 1/2 कप, आप फुल कप भी डाल सकते हैं, मैंने 1/2 कप इसलिए लिया है क्योंकि हम लोग ज़्यादा दही नहीं पसंद करते। यहाँ पे मैंने चिकन ली है, 1 फुल चिकन ली है। धनिया ले लें आप 1/2 गट्ठी धनिया की, और ग्रीन चिलीज ली है यहाँ पर मैंने, और अदरक का टुकड़ा लिया है, ये मैं सारा नहीं डालूंगी, इसको मैं 1/2 काट के गार्निशिंग के लिए यूज़ करूँगी। और यहाँ पर हमें लेमन चाहिए, जब हमारी कढ़ाई रेडी हो जाएगी तो मैं ऊपर से इसको जो है वो स्क्वीज़ करूँगी टेस्ट के लिए। हमने टमाटर लिए हैं, 5 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने ले लिए हैं, और अब मैं आपको बताती हूँ कि हम नेक्स्ट स्टेप क्या करें। मैंने पतीली ले ली है, इसमें आप ऑयल डाल दें, सबसे पहले हमने ऑयल डालना है। ऑयल जो है वो मैं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम चिकन को फ्राई कर रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले चिकन फ्राई होगी। ऑयल के गर्म होने का वेट करेंगे हम लोग एटलीस्ट 5 मिनट्स, और आप इसको मीडियम आंच पे रख के जो है वो गर्म करेंगे ऑयल को। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है, अब हम चिकन को जो है वो फ्राई कर लेंगे। चिकन को जो है वो आप अच्छे से चम्मच को हिला लें, और आप कोशिश कीजिए कि ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा रखें क्योंकि इसको जो मैं फ्राई कर रही हूँ चिकन को, और चिकन को इतना ज़्यादा फ्राई करना है जैसे हम पकौड़ों को फ्राई करते हैं, ब्राउनिश कलर लाना है, थोड़ा ब्राउन कलर लाना है। अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हैं जब भी, तो आप देखें नोटिस कीजिएगा कि चिकन का कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन होता है, तो इसीलिए जो है वो मैं चिकन का कलर ब्राउन रखती हूँ क्योंकि मेरी अपनी रेसिपीज है, और आप लोगों के साथ मैं चाहती हूँ कि अपनी रेसिपी जो है वो मैं शेयर करूँ और आपको बताऊँ कि सेम जो रेस्टोरेंट में आप खाते हैं चिकन कढ़ाई, वो घर में किस तरह बनाई जाती है। अभी ये फ्राई हो रही है, आप लोग थोड़ा सा घबराइएगा नहीं कि इतना ज़्यादा मैंने ऑयल डाल दिया है और इसी में मैं सारे मसाले और टमाटर डालूंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अभी जो है जब मेरी चिकन फ्राई हो जाएगी तो मैं इसमें से ऑयल निकाल लूँगी और थोड़ा सा ऑयल इसमें रहने दूँगी जितना चिकन को ज़रूरत है। आप फिक्र नहीं कीजिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं कि बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खिलाने के लिए। चिकन का जो है वो ब्राउन कलर आना शुरू हो गया है, लेकिन हमें थोड़ा सा और ब्राउन कलर चाहिए। इसकी आंच जो है वो आप लो पे कर दें। ये देखिए मेरी चिकन का कलर जो है वो मुझे इस तरह का चाहिए, वो बहुत ब्राउनिश आ चुका है, और अब जो है वो मैं ऑयल निकाल लूँगी। निकाल दिया है और हमें इतना ऑयल जो है वो चाहिए। अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालूंगी। और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, और कोशिश करें चूल्हे की आंच को जो है वो हल्का रखें क्योंकि ऑलरेडी जो है वो हमारी चिकन जो है वो काफी हद तक पक चुकी है, तो हमने बहुत ज्यादा चिकन को नहीं पकाना। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। सॉल्ट जो है वो मैंने इस वजह से इसमें डाला है पहले क्योंकि ताकि चिकन की बोटियों के अंदर तक जो है वो सॉल्ट चला जाए, ताकि चिकन की बोटियां बहुत फीकी फीकी ना लगे। इसमें डाल रहे हैं हरी मिर्चें, इसमें हरी मिर्ची डाल दें और इसको जो है वो खोल के डालें ताकि इसका टेस्ट जो है वो चिकन के अंदर तक जाए। हम हिला लेंगे हरी मिर्ची डालने के बाद। हरी मिर्ची डालने के बाद हम इसको 2 से 3 सेकंड सिर्फ पकाएंगे, और उसके बाद जो है हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। टमाटर जो है वो मैंने आपको दिखाए थे कि मैं 5 अदद यूज़ कर रही हूँ, और मैंने टमाटरों को ऐसे काट के रख दिया है क्योंकि जब टमाटर मैं डालूंगी तो इसको स्टीम में पकाकर इसका छिलका मैंने उतार लेना है, क्योंकि मैं इस कढ़ाई में टमाटर का छिलका यूज़ नहीं करूँगी। हम इसमें टमाटर डाल देंगे। हम
हमने टमाटर सारे डाल दिए हैं इसमें। आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ, हम इसमें ऐड करेंगे वाइट पेपर, जो कि टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ। टमाटरों के ऊपर थोड़ा सा टेस्ट आएगा। थोड़ी सी हम अभी डाल रहे हैं, थोड़ी सी हम बाद में डालेंगे। हम इसको ढक्कन ढक के रख देंगे और इसको एटलीस्ट 7 to 8 minutes तक हम इसको स्टीम में पकाएंगे, ताकि जब स्टीम ऊपर आ जाए तो हम टमाटरों का जो छिलका है उसको निकाल देंगे। 3 minutes हो चुके हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और ढक्कन ढक देंगे और हम इसको 6 to 7 minutes के लिए पकाएंगे। पानी डालने के बाद जो है हम इसको 6 to 7 minutes और पकाएंगे। टमाटर जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो गल चुके हैं। अब मैंने जो है इनके चिकन उतारने हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, इसीलिए मैंने इनको स्टीम में पकाया था ताकि मैं इसके चिकन उतार सकूँ। और अगर आप इसी तरह जो है टमाटरों को काटेंगे तो आपके लिए बहुत इजी होगा इसके छिलके उतारना। टमाटर के छिलके वैसे ही हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, और हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो इस्तेमाल करने पड़ते हैं। देखें कितनी आसानी से जो है वो टमाटर का छिकल निकल रहा है। आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं निकालने के लिए, जो आपका दिल चाहे, बहुत इजीली निकल रहे हैं। अब यहाँ पर जो है वो मैंने चूल्हे की आंच जो है वो मीडियम कर ली है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं करनी। पहले जो है हमने लो की हुई थी स्टीम में पकाने के लिए, टमाटर के चिकन निकाले थे, अब हमने मीडियम पे अपनी फ्लेम रखना है। और उसके बाद जो है मैं इसमें मसाले थोड़े से ऐड करूँगी। मैं आपको बताती हूँ कि हम इसमें क्या क्या ऐड करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, बाद में वाइट पेपर ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी मैंने पहले डाल रही हूँ क्यूमिन सीड पाउडर जो मैंने आपको बताया था, और उसके बाद जो है वो मैं अच्छे से थोड़ा सा चम्मच चलाऊंगी। और ये जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इनको जो है वो आप थोड़ा सा यूँ पीस लें, ताकि आपकी थोड़ी सी ग्रेवी बने। तो अच्छे से पीस लें करके। अब पानी जो है हमने सुखाना है, तो मैं थोड़ी सी आप नोटिस कीजिए, एक बात इसमें नोटिस कीजिए कि जो चिकन मैंने ब्राउन की थी वो इस टाइम वाइट हुई हुई है। ये इस वजह से मैंने आपको कहा था कि चिकन को पहले फ्राई करके ब्राउन कर लें, क्योंकि बाद में इसका कलर और चेंज हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो आप इसको अच्छे से चम्मच चलाएं, थोड़ा सा इसको भूनें, और उसके बाद जो है वो मैं बाकी मसाले ऐड करूँगी। मैं आपको बताऊँ, हमारा काफ़ी हद तक जो है वो ड्राई हो चुका है, लेकिन हमने और मज़ीद इसको ड्राई करना है। और थोड़ा सा कोशिश करिएगा आप पेशेंटली जो है वो काम लें, इसको भूने, क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे जो है वो उड़ उड़ के बाहर आ रही है, तो इसलिए बहुत पेशेंटली आप जो है वो इसको भूने। सूखा धनिया डाल रहे हैं, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर, के बाद हम इसमें डालेंगे ये है बड़ी इलायची जो कि मैंने पीस ली थी, कार्डमम पाउडर, सेकंड। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई का कलर कितना खूबसूरत आ रहा है। आप इस बात पे भी हैरान होंगे कि मेरी गोटियाँ भी नहीं टूटी हैं, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा चिकन को जो है पकाया, शुरू में था लेकिन ज़्यादा भी हाफ बन गया, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना, बस कलर लेकर आना ही। मेरी गोटियाँ बिल्कुल भी नहीं टूटी, एक एक गोटी बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल कोई गोटी अलग नहीं हुई। अब जो है हम इसमें दही ऐड करेंगे, चीज़ों को ज़ाया नहीं करें, कोशिश करें पूरा दही निकालें, और फिर बहुत महंगाई हो गई है। अच्छे से मिला लेंगे और इसको मज़ीद 5 मिनट हम भूनेंगे। ये देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो डिश में निकाल लेंगे और हम चूल्हा जो है वो बंद कर देंगे। ये देखिए हम इस पे लेमन स्क्वीज कर रहे हैं, गार्निशिंग कर रही हूँ।
हमारी रेसिपी तैयार हो गई है, हमारी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी चिकन कढ़ाई की रेसिपी कैसी लगी। और मुझे दुआ में बिल्कुल याद रखिएगा, मेरे लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा। ये हम हरी मिर्चें भी डाल रहे हैं साथ में। हम सबको एक दूसरे के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। और अब हम इस पे हरा धनिया डालेंगे, मुझे हरा धनिया बहुत पसंद है। आज की न्यू रेसिपी चिकन कढ़ाई रेस्टोरेंट स्टाइल, उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, इंशाल्लाह मैं फिर आऊँगी एक नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मैं चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।